हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MMSCM के पेपर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के सेकेंड यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी किया है और आपको बताया गया था कि टोटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की संख्या होती है 4, जिसमें से 3 हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। एक लास्ट बचा हुआ है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक का अवनमन, उसे हम लोग आज स्टडी करेंगे। अगर वो आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं उन सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक का अवनमन। इसको समझने से पहले हमें फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में समझना होगा यानी हिमांक किसे कहते हैं। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर आपको हम समझाते हैं। जिस ताप पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, मतलब कि वो टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड का जो वाष्प दाब है वो उसी के ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास वाटर है तो वो लिक्विड स्टेट में, तो वाटर का सॉलिड स्टेट क्या होता है? बर्फ होता है। यानी वाटर को बर्फ में परिवर्तित करने के लिए आपको वाटर फ्रीज करना पड़ता है, लेकिन वो कितने डिग्री पर फ्रीज होगा, कितने डिग्री पर जमेगा, उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको पता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी वाटर का जो वाष्प दाब है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर उसी के ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। यानी कि वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस पर जितना वाष्प दाब होगा, बर्फ का भी वाष्प दाब 0 डिग्री सेल्सियस पर उतना ही होगा। क्लियर है? तो ये था आपका फ्रीजिंग पॉइंट। एक और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास 3 लिक्विड्स हैं, ठीक है, L1, L2, L3, तो L1 लिक्विड जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट 15 डिग्री सेल्सियस है, L2 का फ्रीजिंग पॉइंट 5 डिग्री सेल्सियस है और L3 का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। इसमें से किस लिक्विड का वाष्प दाब अधिक होगा और किसका सबसे कम होगा, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, आप याद रखिएगा, वो हम आपको बताते हैं। ये टेम्परेचर अज्यूम किया गया, ठीक है, माना गया है। ये लाइन याद रखेंगे कि किसी भी द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? उस लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट से। यानी फ्रीजिंग पॉइंट जितना ही ज्यादा, वाष्प दाब उतना ही ज्यादा। फ्रीजिंग पॉइंट जितना ही कम, वाष्प दाब भी उतना ही कम। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। अब जो एग्जांपल्स थे हमारे पास, इसमें सबसे ज्यादा वाष्प दाब किसका होगा? तो L1 का होगा। सबसे कम वाष्प दाब किसका होगा? L3 का होगा, क्योंकि उसी का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम है तो उसका वाष्प दाब कम होगा। L1 का फ्रीजिंग पॉइंट इन तीनों के कंपैरिजन में ज्यादा है तो वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट लाइन है ये आप याद रखिए। अब क्या है कि वाष्प दाब के कारण विलायक का हिमांक, ठीक है, विलयन के हिमांक से अधिक होता है। अब ये कैसे पॉसिबल है ये हमें समझना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, यानी ग्राफ के हेल्प से ये हमें समझना है कि कैसे। तो ये जो लिखा गया स्टेटमेंट, इसको हम लोग समझते हैं कि वाष्प दाब के कारण कैसे विलायक का हिमांक दाब विलयन के हिमांक दाब से अधिक होता है। ठीक है, मान लीजिए ये शुद्ध विलायक है जल, इसमें कोई ठोस विलय मिलाया जाएगा तो जो विलयन बनेगा उसके वाष्प दाब पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि शुद्ध जल का जो वाष्प दाब होता है उसका वाष्प दाब हमेशा ही इस विलयन से अधिक होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी आप ठोस विलय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। ठीक है, तो इस केस में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है, विलयन का कम होता है। इसी की हेल्प से आप बता सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, यानी जितना ज्यादा वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे शुद्ध विलायक का ज्यादा था प्रेशर और यहाँ विलयन का कम था, इसलिए लिखा है कि विलायक का जो हिमांक होता है यानी फ्रीजिंग पॉइंट वो ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में? विलयन के हिमांक यानी TF के कंपैरिजन में। ठीक है, तो TF नॉट यानी शुद्ध विलायक का हिमांक ज्यादा होगा विलयन के हिमांक से। ठीक है, क्लियर है, याद रखिएगा। ये ग्राफ भी आप देख सकते हैं और आपको बनाना भी है। ठीक है, बना लीजिएगा।
ये वेपर प्रेशर की एक्सेस लिखा गया है और टेम्परेचर का एक्सेस ये है, ठीक है। अगर ये सॉल्वेंट हम लोग मान लें सॉल्वेंट, तो इसका कुछ फ्रीजिंग पॉइंट होगा ये, ठीक है। ये टेम्परेचर इसका है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट सबसे जो राइट साइड में इधर है TF नॉट, ये विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट है। जब आप इसमें कुछ भी मिलाकर कि मतलब कि कोई ठोस पदार्थ मिलाकर के विलयन बनाते हैं, तो इसका जो वाष्प दाब है वो घट गया है। देखिए पहले यहाँ पे था, अब घट करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। घटने के बाद टेम्परेचर भी देखिए घट गया है, घटा है ना। इधर आइएगा तो घटेगा ही ना, क्योंकि टेम्परेचर एक्सेस ऐसे बनाया गया है, इधर जाएंगे तो बढ़ेगा। बट यहाँ पे रिवर्स उल्टा हो रहा है कि सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो ये था TF नॉट, और जैसे ही आप इसमें कुछ मिलाए हैं यानी ठोस विलय मिलाए हैं, तो इसका वाष्प दाब घट गया है। तो घट गया है तो आइए इधर TF नॉट, तो TF नॉट विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट TF नॉट। ये आप ग्राफ बना लीजिएगा। ग्राफ को बनाने के बाद हमें लिखना होगा कि जब किसी द्रव विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब घट जाता है, सही बात है, जिसके कारण हिमांक में कमी होती है। हिमांक में हुई इस कमी को ही हिमांक का अवनमन कहा जाता है, सही है ना। अब इसको आप दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, वो है कि विलायक के हिमांक यानी TF नॉट तथा विलयन के हिमांक TF के अंतर को ही हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, इसे यानी हिमांक के अवनमन को आप डेल्टा TF से सूचित कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट, यानी जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, TF नॉट बड़ा है माइनस TF। ये स्टेटमेंट सॉरी ये इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि TF नॉट बड़ा है TF छोटा है, तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं डिफरेंस ज्ञात करने के लिए, ठीक है। डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। डेल्टा TF क्या है, तो टेम्परेचर ही है, इसलिए इसका यूनिट होगा कैल्विन या डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमांक का जो अवनमन होता है उसका व्यंजक बताइए, तो आप इसके हेल्प से बता सकते हैं, यानी एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा TF यानी हिमांक का अवनमन जो होता है उसका व्यंजक। अब ऐसा पाया गया है एक एक्सपेरिमेंट में कि तनु विलयन के लिए जो हिमांक का अवनमन होता है वो मोलालिटी के समानुपाती होता है या वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। आपकी मर्जी किसी एक को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां आपको बताया गया कि डायलूट सॉल्यूशन के लिए तनु विलयन के लिए हिमांक का अवनमन मोलालिटी के समानुपाती होता है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, या आपकी मर्जी ऐसे लिखिए। हम मोलालिटी को सॉल्व करते हैं, इसलिए डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू m, जहां KF क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है। आप ये इसमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, जस्ट एक कांस्टेंट है, तो अलग अलग नाम दिया गया है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो ये इक्वेशन जो है वो ये है कि आप इसके हेल्प से बता सकते हैं कि डेल्टा TF कितना होगा, ठीक है। इसे आप समीकरण एक मान लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि डेल्टा TF के द्वारा कैसे अणु भार का निर्धारण किया जाता है। मान लीजिए कि मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है, तो विलय के मोलों की संख्या, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स आप लिख लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश कोई बड़ी बात यहाँ पे कुछ बड़ा बड़ा वर्ड लिखा नहीं गया है, ठीक है। सिंपल लिखा है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी विलय के मोलों की संख्या बटा मास ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक का द्रव्यमान, क्लियर, इंटू 1000, ये होता है मोलालिटी। अब स्मॉल m यानी मोलालिटी इज इक्वल टू, हमें मोल्स कैसे निकलता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उस कंपोनेंट का गिवन मास बटा उस कंपोनेंट का मोलर मास, यही है ना। तो मोल्स ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, तो मैंने ये लिख दिया है। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको बटे दिख रहे होंगे, बटा बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, तो इसको एगो बटा बना लेते हैं। तो देखिए कैसे होगा, स्मॉल m इज इक्वल टू
मास ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का जो द्रव्यमान है उसको हम W2 लिख दिए हैं और मोलर मास को कैपिटल M2 लिख दिए हैं। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट को W1 लिख दिया गया है और 1000 था तो 1000 लिख दिया गया। ठीक है, अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा कि स्मॉल m यानी मोलालिटी इज इक्वल टू W2 बटा M2 इंटू W1 इंटू 1000। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास डेल्टा Tf इज इक्वल टू Kf इंटू स्मॉल m है इसलिए समीकरण एक में स्मॉल m का मान रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या बोले हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण एक में स्मॉल m का मान रखने पर क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं डेल्टा Tf इज इक्वल टू Kf इतना तो सेम होगा, m की वैल्यू यहां से रख दीजिए, ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसके हेल्प से डेल्टा Tf फाइंड कर सकते हैं यानी कि हिमांक में कितना अवनमन हुआ है वो आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, या आपकी मर्जी इससे ज्ञात कर सकते हैं, आपके पास किस टाइप का न्यूमेरिकल है उस पर डिपेंड करेगा कि आप इसमें से कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो M2 कैपिटल M2 को आप राइट साइड में लेकर आए, सॉरी लेफ्ट साइड में, राइट से लेफ्ट साइड में लेकर आए तो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, Kf नॉमिनेटर में है, W2 नॉमिनेटर में है, 1000 नॉमिनेटर में है। अब जो डिनोमिनेटर को राइट से लेफ्ट में लेकर आइएगा तो ये तो नॉमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें सबको नहीं लाना, M2 को ही लाना है, तो M2 को ला दीजिए यहाँ पर और W1 को वहीं रहने दीजिए, तो मैंने वहीं रहने दिया। अब डेल्टा Tf की जरूरत ही नहीं है इधर, तो उसको भी राइट साइड में भेज दीजिए, यहाँ पे डेल्टा Tf डिवाइड कर ले। तो आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के हेल्प से अणु भार का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, अभी तक आपको कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर मिला है वो आपको बता देते हैं। पहला, हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं या हिमांक का अवनमन क्या होता है। दूसरा, कि इसके द्वारा कैसे अणु भार का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट आपको मिला है कि डेल्टा Tf यानी कि हिमांक का अवनमन का व्यंजक क्या होता है। ठीक है, एक और स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिएगा कि चूंकि हिमांक का अवनमन विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है उसके प्रकृति पर नहीं, इसलिए यह एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, लिख सकते हैं ना आप लोग। तो अभी आपको चार क्वेश्चंस का आंसर मिल गया कि हिमांक का अवनमन क्या है, इसके द्वारा अणु भार का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसका व्यंजक क्या होता है और यह एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कैसे। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे कि जो हिमांक का अवनमन होता है उसका प्रायोगिक निर्धारण बैकमैन मेथड के द्वारा या रस्ट कंफर्ट मेथड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? बैकमैन मेथड या रस्ट कंफर्ट मेथड के द्वारा प्रायोगिक निर्धारण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप ये भी याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमांक का जो अवनमन है उसका अनुप्रयोग कौन कौन सा होता है आप बताइए। ठीक है, तो अनुप्रयोग हम आपको दो बताते हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, वो आप याद रखेंगे। तो पहला एप्लीकेशन है, पहला अनुप्रयोग है कि ठंडे प्रदेशों की जो गाड़ियां होती हैं, जो हम लोग ठंडे प्रदेशों में गाड़ियां चलाते हैं उनके रेडिएटर्स जो होते हैं उनमें हम वाटर का तो यूज करते ही हैं, उसमें साथ ही साथ एथिलीन ग्लाइकोल का भी यूज करते हैं जो कि जल के हिमांक को घटा देता है। ठीक है, जिससे जो पानी है, जो जल है वो नहीं जमता है, फ्रीज नहीं होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल एंटी फ्रीज का काम करता है। ठीक है, ठंडे प्रदेशों में अगर आप इस एंटी फ्रीज का यूज नहीं करेंगे तो जो गाड़ियों के रेडिएटर्स होते हैं उनमें वाटर फ्रीज हो जाएगा और आपको गाड़ी या कोई भी वाहन चलाने में परेशानी हो सकती है। ठीक है, इसलिए वहां पर पानी के साथ साथ एथिलीन ग्लाइकोल भी यूज किया जाता है जो कि एंटी फ्रीज का काम करता है, जिसके कारण जल का हिमांक घट जाएगा और पानी नहीं जमेगा। ठीक है, दूसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका एप्लीकेशन है कि ठंडे प्रदेशों
के जो सड़कें हो सड़ सॉरी ठंडे प्रदेशों की जो सड़कें होती हैं उन पर अक्सर ये देखा गया है कि बर्फ जम जाती है। देखा गया ना, आप लोग न्यूज वगैरह में देखते होंगे अक्सर। तो वो जो बर्फ बहुत ज्यादा जम जाती है तो उसको आप कैसे हटाते हैं? हटाने में तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग उस बर्फ पर नमक का छिड़काव करते हैं, यानी NaCl का छिड़काव करते हैं, या कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 anhydrous का यूज करते हैं, या कैल्शियम डाइफ्लोराइड का यूज करते हैं। इन सब का यूज करेंगे तो जो बर्फ है या जल उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। अब फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा तो बर्फ आसानी से पिघलने लगता है, और बर्फ आसानी से पिघलने लगेगा तो उसको बहुत जल्दी से हटाया जा सकता है और वहाँ परिवहन फिर से शुरू हो जाता है, यानी गाड़ियों का आवाजाही फिर से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये थे दो अनुप्रयोग जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, किसके? हिमांक का और नमन का। क्लियर, आज की वीडियो में आपको बताया गया कि हिमांक का और नमन क्या होता है, इसके द्वारा अणुभार का निर्धारण कैसे किया जाता है, अणुसंख्यक गुणधर्म आप कैसे बताएंगे कि हिमांक का अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, साथ ही साथ आपको दो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस बताए गए यानी कि अनुप्रयोग बताया गया हिमांक के अवनमन का। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, और साथ ही साथ कमेंट जरूर करें, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, अगेन थैंक्स।